हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। मैंने ब्लाउज की जो लेंथ रखी है वो 14.5 इंच है। अब चलिए मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो मैंने जो डिज़ाइन बना रही हूँ, देखिए 2.5 इंच में पहले हम एक मार्क करेंगे। तो हम नीचे के साइड से मार्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हम साइज कर लेते हैं और 2.5 इंच में मार्क कर दिया है मैंने। देख लीजिए, अब हम देखिए 5 इंच की लंबाई देते हुए नीचे के साइड से एक मार्क कर देंगे ऊपर के साइड। अब हम एक यहाँ से जो मार्किंग करते हैं, हमें यहाँ से डिज़ाइन बनाना है। तो 1 इंच की हम कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो 1 इंच पर हम मार्क पहले कर लेते हैं बराबर करके दोनों साइड से। अब हाफ इंच में मैंने बीचों बीच से मार्क कर दिया, इसको बराबर लाइन बना देंगे और दोनों साइड से हम बराबर लाइन बना ले रहे हैं। देख लीजिए, वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब चलिए मैं गले का डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो मैं 3 इंच गले के लिए मार्किंग कर रही हूँ और नीचे के साइड से भी 3 इंच पर मार्क कर देते हैं। अब हम जो है गले का लेंथ लेंगे। तो मैं गले का लेंथ देख लीजिए 8 इंच रख रही हूँ। तो 8 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। यहाँ से हम बराबर कर लेंगे पूरा गला, जितना मैंने मार्किंग किया सबको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर लाइनिंग कर लेते हैं। अब मैंने डिज़ाइन का भी मार्क कर दिया है। अब चलिए यहाँ से हम कट कर देते हैं। जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग किया है सबको कट कर लेते हैं। तो मैंने सबको कट कर दिया है। अब मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ, बिल्कुल बराबर में इसके रख देंगे। अस्तर को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम गले पर से कपड़े को कट करके निकाल देंगे और नीचे के साइड से भी कपड़ा कट कर देते हैं। यहाँ से भी कपड़े को अच्छे तरीके से कट कर लीजिएगा। तो मैंने अब देखिए पूरा कटिंग अच्छे तरीके से कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम गले को स्टिच कर लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर करते हुए पहले चलिए हम गले को स्टिच करके दिखाते हैं आपको। तो ये देख लीजिए, मैंने गला स्टिच कर दिया है। अब एक उस पर जो हम कट्स लगा लेंगे अच्छे तरीके से पूरा गले पे। तो मैंने देखिए पूरा गले पे कट्स लगा दिए। अब इसको हम उलट कर सीधा कर लेते हैं। तो ये अच्छे तरीके से सीधा कर लीजिएगा। अब एक सिलाई लगा के पूरे गले को हम स्टिच कर लेंगे। ये मेरा गला स्टिच हो चुका है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए, मैंने पूरे गले की पूरे ब्लाउज की अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दी है। यहाँ से हम डिज़ाइन बनाएंगे नीचे के साइड से। सबसे पहले हम नीचे के साइड से फोल्ड कर डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी मैं पतली पतली डोरियाँ बना लेती हूँ। तो मैंने डोरी स्टिच कर दी। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देते हैं। तो ये मैंने सीधा कर लिया है डोरी को। अब इस पर हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं देखिए 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच पे हम इसको कट करेंगे। तो 2.5 इंच पे पूरा बराबर करते हुए हम बराबर मतलब एक बराबर कर लेते हैं 2.5 इंच पे। अब इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा कट कर लिया जितना मुझे डिज़ाइन में चाहिए। अब नीचे के साइड से हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो मैं अस्तर लगा रही हूँ नीचे के साइड से। अब पूरा पहले हम स्टिच कर लेते हैं कपड़े को इसके साथ ज्वाइंट करके। तो मैंने देखिए पूरा अस्तर लगा के अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया। अब इसको हम अच्छे से पहले एक बार और स्टिच कर लेते हैं।
ये मैंने पूरा अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दी है। अब यहाँ से हम डबल फोल्ड करते हैं, जो अस्तर मैंने अभी स्टिच किया उसको फिर से ऊपर के साइड से ज्वाइंट कर लेंगे स्टिच करके। तो मैंने अच्छे तरीके से पूरी स्टिचिंग कर दी है ब्लाउज की, देख लीजिए नीचे के साइड से। अब मैं डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए जो डोरी कट की थी 2.5 इंच की लंबाई पे, उसको हम यहाँ से डिज़ाइन करेंगे। तो कैसे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं डबल फोल्ड करके डोरी को फिर यहाँ से स्टिच कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी स्टिच करना है। ये देख लीजिए मैंने पूरा डोरी को अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है। अब दोनों साइड से मैंने कम्प्लीटली कर दिया है। अब एक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे इसको हम अच्छे से पूरा कंप्लीट बनाएंगे। तो मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है, अब इसको हम पहले जो डोरी मैंने स्टिच की है जिस साइड से मेरा सीधा साइड ब्लाउज का कपड़ा है उस साइड से रख के हम अस्तर को इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए मैंने सीधे साइड से रखते हुए अस्तर को ज्वाइंट कर दिया है। अब नीचे के साइड से हम इसको उलट लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करते हुए पूरा अच्छे तरीके से स्टिच कर देते हैं। तो मैंने देखिए इसको स्टिच कर दिया है, इसी तरीके से दूसरे साइड भी कर देंगे। तो सेम ऐसा ही देखिए मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली कर दिया है। अब हम इस पर डिज़ाइन करेंगे नीचे के साइड से, पूरा तुरपाई कर लीजिएगा पूरा जितने भी हमने सिलाई लगा के डबल फोल्ड करके अस्तर को स्टिच किया है। तो मैंने पूरा तुरपाई कर लिया है। अब ऊपर के साइड से हम गले में लैस लगा लेते हैं। गले में आपको जो लैस मन करे वो लैस लगा सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग लगा रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है आपने आपको जो अच्छा लगे आप उस लैस को लगा के ब्लाउज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पूरा लैस गले पे लगा दिया है। अब नीचे के साइड से मैं आपको डेकोरेट करके दिखाते हैं। यहाँ से हम डोरी लगाएंगे, तो मार्केट में जो डोरी मिलती है वही डोरी मुझे यूज़ करना है, तो आप भी वही डोरी यूज कीजिएगा। आप अगर चाहें तो ब्लाउज़ का भी बना के डोरी लगा सकते हैं, तो मैं मार्केट वाला यूज़ करी हूँ। मैं कैसे देखी डोरी को डाल रही हूँ ब्लाउज़ में, जो मैंने डिज़ाइन किया है वैसे ही आपको भी डालना है सेम इसी तरीके से। मैंने ये देखिए एक दूसरे से क्रॉसिंग करते हुए पूरा डोरी को डाल दिया अच्छे तरीके से, इस तरीके से आप भी डाल लीजिएगा। दोनों साइड से मैंने कम्प्लीटली कर दिया। नीचे के साइड से मुझे फ्लावर लगाना है, तो मैंने स्क्वायर साइज के कुछ कपड़े लिए हैं। अब यहाँ से देखिए मैं तिरछे में फोल्ड करके लगा रही हूँ फ्लावर को, आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। इसी तरीके से सेम आप भी फ्लावर बना के लगा दीजिएगा। इसी तरीके से एक फ्लावर मेरा बन चुका है, एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए अच्छे तरह से। एक और मैं लगा रही हूँ, आप ऐसे ही सेम लगाइएगा जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ फ्लावर। तो सेम जैसे मैंने इस साइड लगाया है इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी फ्लावर लगाएंगे। एक साइड का मैं आपको कंप्लीट करके पूरा दिखा देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए इस साइड से मैंने जिस तरीके से बनाया हुआ है इस साइड से मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखा देती हूँ। यहाँ से हम डोरी को अच्छे से बांध लेते हैं। अब सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी बना लीजिएगा जैसे इस साइड से बनाया हुआ है। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली बना दिया, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ब्लाउज। सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा।
तो देखिए मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरी आईडी पे जा सकते हैं और कोई भी मनपसंद डिज़ाइनर ब्लाउज या ड्रेस परचेज कर सकते हैं। और मैंने फेसबुक आईडी की भी लिंक दे रखी है, वहाँ पर भी मैं ऑनलाइन सेलिंग करती। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले डिज़ाइन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरी वीडियो को वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स।